आज आपने नुमानी पुल का दौरा किया, क्या काम अभी होगा आगे, क्या चाहिए? पहले महिला का तकाजा था और उनके तकाजे के ऊपर इस वक्त मैं यहाँ आया हूँ और मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी पुल पर इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं। महल्ले वालों का जो कहना है वो अपनी जगह बराबर है। हमने अपने असम्बली मैनोफेस्टो के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी पुल की तामीर का लोगों से वादा किया है। अगर इब्तदाई 2 साल कोरोना के नज़र नहीं हुए होते तो इंशाल्लाह हम लोग ये पुल तामीर कर चुके होते। आज इस मौके पर जब मेरी हाज़िरी हुई है तो महल्ले वालों के कुछ तकाजे हैं। एक तो ये कि ये पुल जिसका वर्क ऑर्डर हुआ था और बनाया गया, ये पुल जो है तकरीबन 14 फीट ऊंचा बनना था, ऐसा इन लोगों का बताना है। पेपर वगैरह कॉरपोरेशन से हासिल किए जाएंगे तो उसमें सही सूरत हाल सामने आएगी। तो बजाय पुल बनाने के 2-4 पाइप डाल करके इन्होंने भर भर करके रोड बना दिया है। ज़रा सा भी पानी बारिश का आता है तो पानी इसके ऊपर से गुजरने लगता है। इस बारिश के अंदर कई हादसा हुए, रिक्शा भी पलट गया और बड़ी उम्र की एक लड़की जो है मालेगांव हाई स्कूल में पढ़ती है वो भी नदी में गिर गई थी। अगर बर वक्त मदद नहीं की जाती तो उसके डूब जाने का अंदेशा था और भी कई हादसा हुए। तो इस मौके पर जो है इस पुल की तामीर का तकाजा है और इसी के साथ जिस तरह बागे महमूद की तरफ जो है धक्का बनाया गया है, किले की तरफ भी ये धक्का बने ताकि बारिश का पानी लोगों के घरों में और महलों में न घुसे, इस बात का तकाजा इनका है। बागे महमूद के ताल्लुक से भी कुछ तकाजे हैं। आज इस मौके पर हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे असम्बली मैनोफेस्टो के अंदर मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी पुल की तामीर है। हम इसको जो है कॉरपोरेशन बजट से अगर होता होगा तो कॉरपोरेशन से बजट डलवा कर पुल तामीर करवाएंगे, वरना सरकार से एक्स्ट्रा निधि ला करके इंशाल्लाह ये पुल बनवा कर देंगे, ये हमारा वादा है।